वजह से और भगदड़ की वजह से उनकी जिस्म का कीमा बन गया और लोगों ने उनकी लाश को उठाकर चादर में लपेट कर उनके बच्चों के हवाले किया। 20 अपराध अब तक आटी के हुसूल में शहीद हो गए। कराची के एक वाक़े में 12 लोग शहीद हो गए, बड़े और जवान और बच्चे। ये ज़री पाकिस्तान है जिसको अल्लाह ताला ने मौसम से नवाजा है, ज़री ज़मीन से नवाजा है। मेहनत कश हमारा काशकार है, मेहनत करने वाला हमारा मजदूर है। ज़हीन पतीन 65% इस मुल्क में नौजवान है। 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल साइल है, मादिनियात से मालामाल। लेकिन हम हैरान हैं, एक तरफ बांग्लादेश है जो हमारे तरह पाकिस्तान का एक हिस्सा था, लेकिन आज उनके बरामदात 58 अरब डॉलर से ज़्यादा और हम 27 अरब डॉलर से कम होकर 22-23 पर आ गए। उनके फ़ी का समदनी हमसे दुगनी है। उनका ज़र मुबादला 37 बिलियन डॉलर से ज़्यादा और हम अब भी 7.7 बिलियन डॉलर पर। हकीकत में ये भी नहीं है, लेकिन हकीकत में ये तो 3.7 तक आ गया है, लेकिन कुछ इधर उधर के अमानतें अब हमारे स्टेट बैंक ने अपने पास रखे हैं और उसकी बुनियाद पर ये कहते हैं कि हमारे ज़र मुबादले में थोड़ा सा इजाफा हुआ। और मैं हैरान हूँ कि आज भी IMF का जो कर्ज़ा है, आइंदा 3 सालों में इनके साथ वापसी के लिए कोई मेकनिज़म नहीं है। एक तरफ सेनेट ने सूद के ख़िलाफ़ करारदाद पास किया कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि सूद यहाँ पर बंद हो, कुरान और हदीस का फैसला है कि यहाँ पर सूद ना हो, इस्लामी नज़रियाती कौंसल की सिफारशात है कि यहाँ सूद ना हो, वफाकी शरी अदालत का फैसला है कि यहाँ सूदी कारोबार बंद हो। लेकिन दूसरे तरफ जिस दिन सेनेट ने, हमारे भाई मुश्ताक अहमद खान साहब ने करारदाद लाया था, वो करारदाद यकसुई के साथ मुतफिका तौर पर पास किया था, तो अगले दिन स्टेट बैंक ने शरई सूद में इजाफा किया और अब शरई सूद 13, 14, 15, 16, 17 की बजाय 21.7% तक पहुंच गया है। और इस वक्त जनूबी एशिया में वाहिद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां शरई गुरबत सबसे ज़्यादा है। कौन ज़िम्मेदार है? सही बात यह है कि यहाँ का आम पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो टैक्स अदा करता है, वो कानून की पाबंदी करता है, वो बिजली का बिल देता है, वो गैस का बिल देता है, वो पानी का बिल अदा करता है, वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता है। लेकिन इस मुल्क पर जो करप्ट अशराफिया मुसल्लत है, कभी PDM की सूरत में और कभी PTI की सूरत में, उन्होंने पाकिस्तान का ये हशर कर दिया कि अब हम सारी दुनिया के लिए तमाशा बन गए। मुझसे रोज़ सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब अमारात से और बरतानिया और अमेरिका से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई राबते करते हैं कि ये जो तस्वीर आते हैं कि माएँ बहन और बेटियां ट्रक के पीछे भागती हैं और सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में, तो यहाँ के लोग हमें तस्वीर दिखाते हैं कि ये हमारा तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है, आखिर पाकिस्तान को क्या हो गया है। न किसी ने तुम्हारे ऊपर एटम बम इस्तेमाल किया है, न कोई ऐसी बड़ी आपत आई है, लेकिन करप्शन, मिसमैनेजमेंट और ज़ाती मुफादात की आग में पाकिस्तान जल रहा है और VIP नहीं, आम पाकिस्तानी जल रहा है। इन हालात में सही बात यह है कि पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ तो एक बार फिर एक बहुत बड़े हादसे की तरफ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि 75 सालों से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के नज़रिए के साथ बेवफाई की और ख़ासकर अल्लाह की दीन के साथ बेवफाई की, और आज पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है लेकिन यहाँ अल्लाह का दीन नाफिज नहीं हुआ। उसकी वजह से माशी तबाही भी है, सियासी तबाही भी है और हर बहरान यहाँ पर अब उन्होंने सर उठाया है। अब इसका इलाज किया है? रोना धोना इलाज नहीं है, सिनकूबी भी इलाज नहीं है, 35 साल यहाँ जर्नेलों ने हुकूमत की वो भी इलाज नहीं है, बार बार पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने और PTI ने हुकूमत की उन्होंने भी मसाइल में इजाफा किया, इलाज अब भी आवाम के हाथ में है।
और आवाम चाहे तो अपने वोट के ज़रिए अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। इस मुल्क में दयानतदार लोगों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अच्छे लोग मौजूद है। लेकिन ये अजीब बात है कि लोग गालियाँ भी देते हैं कि ये चोर है, लेकिन फिर भी इस तरह आवाम को यरगमाल बनाया गया है कि उन चोर ही को वोट देने पर मजबूर है। मैं इसलिए अपनी आवाम से कहना चाहता हूँ कि आप ही मुल्क को बचा सकते हैं, आप ही इस मुल्क के असल वारिस हैं। ये जितने लोग हुकमरान आपको नज़र आ रहे हैं, ये मुसीबत के वक़्त मुल्क छोड़कर बाहर चले जाते हैं, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए यह मुल्क ये माँ के गोद की तरह है, ये मस्जिद की तरह है, यह हमारा आखिरी कब्र और आखिरी आरामगाह है। हम ही चाहेंगे कि ये मुल्क बन जाए तो ये मुल्क अच्छा बन सकता है। पाकिस्तान हकीकी मानों में एक खुशहाल और इस्लामी पाकिस्तान बन सकता है अगर हमारे लोगों ने सही फैसला करने का एक अज़म किया। मेरे भाइयों, मौजूदा बहरान में मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई भी एक दूसरे को ख़त्म नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पर एक रियलिटी है और पार्लियामेंट अपनी जगह पर एक हकीकत है। रास्ता एक ही है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सियासतदानों ही ने तलाश करना है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसले हल कर सकते तो अब तक हल कर चुका होता। लेकिन ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेकर मसाइल में इजाफा किया। एक तो मैं चीफ जस्टिस को मशवरा दूंगा अदब के साथ, एहतराम के साथ, कि आली जरपी से काम लेकर अपनी हाउस को इनआर्डर कर ले, और जो अवाम का मुतालबा है कि अब भी आपके साथ मरहला है, आपके साथ एक फुर्सत मौजूद है कि फुल कोर्ट इजलास बुलाकर आप मौजूदा कजिए को हल कर सकते हैं। उस पर पूरी कौम का एतमाद होगा। अब तीन जजेस पर, पांच जजेस पर किसी का एतमाद नहीं है, अब खुद जजेस का एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, तो आवाम कैसे एतमाद करेंगे। इसलिए मैं तमाम सियासी जमातों को मशवरा देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया 14 मई का इलेक्शन का, लेकिन सही बात यह है कि पंजाब में इलेक्शन हो भी जाए कोई उसका नतीजा कबूल नहीं करेगा। खुद इमरान खान ने बिरूनी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया कि नतीजा आने के बाद मैं फैसला करूंगा कि मुझे कबूल है या कबूल नहीं है, लेकिन मैं पहले से बताता हूं कि कोई उसका नतीजा कबूल नहीं करेगा। फिर पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो, फिर तकरीबन 131 से ज़्यादा कौमी असम्बली के हल्के खाली हैं, फिर वहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो, फिर जनरल इलेक्शन होगा, तो क्या हमारा मुल्क इस तरह 5 इलेक्शंस का मुतहम्मिल हो सकता है। इसलिए मैं मशवरा देना चाहता हूँ, अवाम के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी समझती है कि हमारे तमाम मसाइल का इलाज अब एक इलेक्शन है, कि मरकज़ में भी निगरान हुकूमत कायम हो जाए, सुबह बलूचिस्तान और सुबह सिंध में भी निगरान हुकूमत कायम हो जाए, और कंसेंसस के साथ इलेक्शन के लिए एक तारीख का तयन हो, और इलेक्शन से पहले तमाम स्टेक होल्डर आपस में बैठकर एक शफाफ इलेक्शन के तरीक़ेकार पर इत्तेफाक कर ले। मैं सियासतदानों को बताना चाहता हूं कि हमने अगर माजी से सबक नहीं लिया तो फिर यहां 77 जैसा और 97 जैसा वाकयात फिर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सियासत चले, अगर आप चाहते हैं कि जमहूरियत हो, अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट हो, तो एक ही रास्ता है कि सियासी डायलाग के ज़रिए हम आपस में बैठकर अपने मसाइल हल कर ले, वरना कौमी इत्तेहाद और पीपल पार्टी ने एक दूसरे को कबूल नहीं किया। नतीजतन मार्शल ला की सूरत में हमने देखा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग आपस में लड़ते रहे, नतीजा परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल ला की सूरत में हमने देखा। इसलिए जो कहते हैं कि लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक के चूंच चोंच और दूसरे के दुम, तो न चोंच रहेगा और न दुम अगर लोगों ने एक दूसरे की बात नहीं सुनी और सियासी डायलाग शुरू नहीं की। इसलिए न इमरजेंसी मसाइल का हल है, न सदारती निज़ाम मसाइल का हल है, न मार्शल्ला मसाइल का हल है, न कोई टेक्नोक्रेट किस्म की हुकूमत मसाइल का हल है। एक ही हल है कि अवाम को इख्तियार दिया जाए ताकि अवाम अपनी मर्ज़ी के साथ अपने लिए मुस्तकबिल की क़ियादत का चुनाव कर ले, लेकिन उस
चुनाव के लिए एक ऐसे इलेक्शन का इनेकाद ज़रूरी है जिस पर तमाम स्टेक होल्डर का इतफाक हो। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क तबाही और बर्बादी के लिए नहीं बना है, ये तरक्की करेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये सुप्रीम बनेगा, ये खुशहाल बनेगा, ये रोशन बनेगा, और ये इंशाअल्लाह वक़्त आएगा कि एक माशी पावर भी बनेगा और सुपर पावर भी बनेगा। बहुत शुक्रिया। मुजान साहब, सवाल। एक दो छोटे से सवाल है। मुल्क एक जा हुआ है एक और जामिया ऑपरेशन का, जमात इस्लामी का इस हवाले से क्या मौकफ है? इस ऑपरेशन हवाले से आप राय रखते हैं? इसके अलावा जमात इस्लामी ने ऑफर की थी इमरान खान को कि पार्क में नहीं रहते तो मंसूरा आ जाए, तो उन्होंने उसका क्या जवाब दिया? और अभी जमात इस्लामी अपने उस ऑफर पे कायम है या नहीं है, क्योंकि अब इमरान खान को न समझते वहाँ? महमूद जान बाबर साहब, जमात इस्लामी पाकिस्तान का जो मरकज़ है मंसूरा, वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं तमाम आलमी इस्लामी तहरीकों का भी मरकज़ है, और सारी दुनिया की जितने मुसलमान अकलियतें हैं उनके साथ भी राबता है, उनका हमारे साथ राबता है। ये एक पूरी दुनिया के उम्मत मुस्लिम का मरकज़ है। इसलिए मुल्क के अंदर भी जो शहरी अपने आप को गैर महफूज समझता है उसके लिए मंसूरा हाजिर है, और हमने इसलिए इमरान खान से भी कहा है कि अगर आप जमान पार्क में अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, ईवान सदर में गैर महफूज समझते हैं, तो आपके लिए मंसूरा हाजिर है, और ये पेशकश सिर्फ उसके लिए नहीं है, हर पाकिस्तानी के लिए है। बाकी आपने जो पूछा ना कि रात जिस तरह सिक्योरिटी कौंसिल ने फैसला किया है दहशतगर्दी के खात्मे का और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का, तो सही बात यह है कि ये तो 23 करोड़ अवाम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन हो। कोई पाकिस्तानी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि वो दहशतगर्दी के हक़ में हो, इसलिए कि दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए भी ख़तरनाक है और इस पूरे रीजन के लिए ख़तरनाक है। अलबत्ता ये हम ज़रूर चाहते हैं कि जिस तरह हमारे स्वात में दीर में गुज़श्ता चंद अरसे में अचानक बदमनी के वाक़यात शुरू हो गए और फिर एक हिकमत के साथ उन तमाम लोगों को वापस भेज दिया गया, और अब स्वाद भी पुरअमन बन गया और दीर भी पुरअमन बन गया, बाजौल भी पुरअमन बन गया, तो हम चाहते हैं कि इसी तरह तरीका इस्तेमाल करें ताकि पुरअमन अंदाज में पाकिस्तान तरक्की के लिए आगे बढ़े। बाकी दहशतगर्दी की हर सूरत के हम ख़िलाफ़ है, वो फ़र्द करे, कोई तंजीम करे या कोई हुकूमत करे। नहीं है जमात इस्लामी की बहुत लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये गरीबों की पार्टी है और एहसास करने वाली पार्टी है, ये बात भी ठीक है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए बदलनी दहशतगर्दी और महंगाई इसकी लपेट में गरीब आवाम घुस रहे हैं, इसी हवाले से अगर यही जमात इस्लामी की पार्टी तमाम पार्टियों को एक पेज पर बिठा कर उससे बात करे कि आवाम पर, क्योंकि अभी अभी जो नज़र है इस टाइम जो नज़र है वो सिर्फ जमात इस्लामी पर है तकरीबन लोगों की, इसी हवाले से क्या हिकमत अपनी जमात इस्लामी की है? मैं आपके सवाल से इतफ़ाक़ रखता हूँ कि इस वक्त माशी एक बहरान है और लोग मर रहे हैं भूख से, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, वालिदैन का इलाज मुश्किल हो गया है, बिजली का बिल और गैस का बिल अदा करना मुश्किल हो गया है। सही बात यह है कि यह कोई मुबालिगा नहीं है, जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे अब भी वो लोग अब भीख मांगने पर मजबूर है। कल मैं इस्लामाबाद था तो एक टैक्सी ड्राइवर ने शाम के वक्त मुझे कहा कि 2-3-4 घंटों से सड़क पर खड़ा हूँ, कोई सवारी नहीं आई, और अब वापस जा रहा हूँ तो पिकौड़े ख़रीदने के लिए मेरे साथ अब पैसा नहीं है, बिल्कुल एक टैक्सी का मालिक। लेकिन ये महंगाई, ये बदबख्ती, ये बेरोज़गारी है किसकी वजह से? आप कहते हैं कि उन्हीं पार्टियों को इकट्ठा करें जिन्होंने तुम्हारे मुल्क का ये हशर कर दिया है। इसलिए ये महंगाई और बेरोज़गारी तो है ही PDM और PTI और पीपल पार्टी की वजह से। इस वक्त तो जमात इस्लामी के अलावा तकरीबन तमाम पार्टियाँ हुकूमत में, सदर PTI का है, वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग का है,
वजीर खारजा पीपल पार्टी का है, कौन है जो हुकूमत में नहीं है, और मौलाना साहब इमामत कर रहे हैं, सब शामिल है सवाई जमात इस्लामी की। लेकिन मैं लोगों को इकट्ठा करना चाहता हूँ सिर्फ ये कि एक पुरअमन अंदाज में शफाफ इलेक्शन यकीनी हो जाए, ताकि हमारा जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है उसमें खाना जंगी ना हो, उसमें लाशें ना गिरे, और उसके नतीजे में पाकिस्तान मज़ीद कमज़ोर ना हो। तो एक पुरअमन पाकिस्तान के लिए एक शफाफ इलेक्शन के हवाले से मैं चाहता हूँ कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठे हों और आपस में डायलाग कर ले। बहुत शुक्रिया।